आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं आज आपको जो गरम सूट चल रहे हैं आजकल, उनमें गले की एम्ब्रॉयडरी जो बन के आती है, गले की जो एम्ब्रॉयडरी बन के आती है, उसको उसके एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ हम गले को कैसे बनाएं, उसका एक बहुत ही आसान तरीका बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और आप इसको फुल वॉच करना और मुझे बताना कि भी आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसमें एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साथ साथ कैसे हम मशीन से चलाएं, कैसे मतलब बहुत ही आसान तरीका मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप इस वीडियो को फुल देखना और एंजॉय करना और मुझे बताना कमेंट में कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैं बताऊंगी आपको इस टाइप का गला बिल्कुल मतलब एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ कैसे बना सकते हैं, इसका मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। और ये गरम सूट है अभी आजकल, मतलब आजकल अब ये ही सूट आ रहे हैं और ये पहने जाने लगे हैं। तो मैं आज आपको इस टाइप का गला कैसे बनाते हैं वो उसका तरीका बताऊंगी, कैसे बनाए जाते हैं इस टाइप का गला, कैसे बनाया जाता है। हम क्या करेंगे, हम बुकरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए हम ये सीट लेंगे जिसकी तरफ एक तरफ तो मतलब खुरदरा होता है और एक तरफ थोड़ा सा चमकीला सा नजर आएगा आपको, क्योंकि वो प्रेस से चिपकाना होता है हमें। तो हमारी जो गले की जो चौड़ाई होती है वो करीब करीब 6 इंच होती है दोनों तरफ, 3 इंच इधर 3 इंच इधर 6 इंच। तो हमें ये उससे ज्यादा लेना है, मतलब 10 इंच या 12 इंच के करीब लेना है, क्योंकि बाद में कट जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, कट जाता है। और इधर से हमें वो उतना लेना है जितना मतलब थोड़ा सा, जैसे अपना गला 7 इंच होता है, 7 साढ़े 7 इंच, तो हमें उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। तो लमसम मैं इसको 12 इंच लंबा ले रही हूँ और 12 इंच ही चौड़ा ले रही हूँ। एक बार मैं लमसम इसको काट देती हूँ फिर मैं बताती हूँ आपको। इसको मैंने उतना ही काट दिया जितना हमें जरूरत। इधर से साइनिंग जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, साइनिंग वाला दिख रहा है ना, साइनिंग वाला, तो इसको हमें कपड़े पे ऐसे मोदा रखना है, ऐसे कपड़े पे मोदा रख के और इस पे गरम प्रेस से इसको चिपका देना है कपड़े के, इस टाइप से। बहुत गरम मत लगा देना नहीं तो ये जल जाएगा। इस टाइप से इसको हम इस कपड़े से चिपका देंगे। ये मैंने चिपका दिया इसको, एक बार मोदा डाल के चिपका दिया है और अब ये देखो अब इधर से चिपका दिया मैंने, ये पूरा चिपक गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको कट कर लेना है ऐसे के ऐसे, जितने जितने दूरी में ये है उतने दूरी में हमें इसको कट कर लेना है। ये कट हो गया, अब हमें मशीन पे चलना है, फिर मैं वहां पे बताती हूँ आपको क्या करना है। ये हमने चिपका लिया था ना ये हमने, तो हमने इसको ऐसे रखना है, ये हिस्सा नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये जो सूट है ये वाला, इसको हमें ऐसे रखना है, सीधा सीधा रखना है, ना कि उल्टा। इसको हमें ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे रखने के बाद हमें क्या करना है कि इतना ये इधर रह जाए, इतना ये इधर रह जाए, और एक मतलब एक आल पिन लगा लेनी है बीच में, एक बार ये पिन लगा लेनी है ऐसे करके, ताकि भाई ये हिले ना, ऐसे करके पिन लगा लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको अब सी लूंगी बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ। ये देखिए मैंने इसके साथ 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 ये सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब हमें ये पिन निकाल देनी है, ये हमने सी लिया ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको, ये तो एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ तो अपन ने सी लिया, तो अब हमें इसको 1.25 इंच के पे निशान लगाना है, ऐसे करके 1.25 इंच पे निशान लगा के इसको गोल बना के, और हमें जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। 1.25 इंच पे मैं इसलिए निशान लगा रही हूँ कि जैसे सवाया तो थोड़ा मुड़ने में चला जाएगा और 1 इंच के करीब रह जाएगा, नहीं कहीं पतला हो जाएगा, कहीं मोटा हो जाएगा, इसलिए वो दिखने में सुंदर नहीं आएगा तुरपाई जो होती है अपनी।
ऐसे करके हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, सवा सवा इंच पे मैंने सारे पे निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमको हमें ध्यान से काटना, कभी सूट ना कट जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमें इसको उठाना है और इसी जो हमने गोल दायरा सा बनाया है इसी को कट कर देना है। ये मैंने ये कट कर दिया इसी के सीध में। अब मैं क्या करूंगी, इसको बिना कट करे पहले इसको सील दूंगी ऐसे करके। जो सवाया एक्स्ट्रा लिया था ना उसमें मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी ताकि तुरपाई करने वाले को दिक्कत ना हो, जब सूट की तुरपाई होगी उसमें दिक्कत ना आए। इसमें मतलब एक पैर की सिलाई चला दूंगी मैं, तो ये दिक्कत नहीं होगी, जो कोई तुरपाई करेगा उसको परेशानी नहीं होगी। इसका क्या है कि जैसे बुकरम को तो हम पहले से ही फोल्ड करके चलते हैं, लेकिन इसमें कहीं ज्यादा आ जाता है कहीं कम आ जाता है, हमें गले की एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से चलना पड़ता है, इसलिए हम इसको पहले से तैयार करके नहीं रख सकते। ये मैं आपको बिल्कुल टेलर वाला तरीका बता रही हूँ, जो टेलर बनाते हैं बड़े बड़े बुटीक पे बनता है वो तरीका बता रही हूँ। बाकी वैसे भी हो सकता है कि भाई इसका एक पैर की सिलाई से इस गले को काट लो, एक पैर का छोड़ दो और उसके साथ साथ में आप बना लो, वो भी एक आसान तरीका है। लेकिन इस तरीके से आपकी फिनिशिंग बहुत आती है, मतलब फिनिशिंग बहुत ज्यादा बैठती है। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, समझ आती है नहीं आती है, वो सब मुझे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसका पूरा बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको कट करके इधर के साइड ले आएंगे हम। इसको इसको ऐसे फैला लेना है, इसको फैला लेना है और एक पैर की सी ओच करते हुए हमें ये कट कर लेनी है। मैं से कट कर लिया है, अब इसमें मैं छोटे छोटे नोच लगाऊंगी ऐसे और इसको वापस से फोल्ड कर दूंगी। ध्यान रहे नीचे कभी कोई कपड़ा या ये सिलाई ना कटे, इसलिए ध्यान से काटना है आपको, इसलिए मैंने ये काट दिया। अब मैं इसको बैक फोल्ड करूंगी, ये ऐसे फोल्ड करूंगी तो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी पे आ जाएगा। ये देखिए, अभी मैं एक पैर की सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। पहले इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, इस पे एक सिलाई चलाएंगे ऐसे करके, मोटा मोटा बखिया करके ले एक सिलाई चला देंगे ऐसे करके। ये मैंने दूसरी सिलाई चला के इसको पक्का कर दिया है और ये ऐसे हो गया। अब मैं इसको ऐसे पलटूंगी तो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ में आएगा। ये देखिए, अब मैं इसमें एक पैर की सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। ये रखा इधर,